साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना डबल लाइन ट्रेंच विधि का पेड़ी गन्ना, जिसमें गन्ना वैरायटी 0238 है। और किसान भाइयों, गन्ना कटिंग के बाद हमने 28 फरवरी को इसमें रेटून मैनेजर चलाया था। उसके बाद किसान भाइयों, हमने अपने इस गन्ने में क्या क्या डोज दी हैं, किस किस कीटनाशक की स्प्रे अभी तक की है, सारी जानकारी दूंगा वीडियो में। लास्ट तक बने रहना। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, पहले मैं आपको अपना गन्ना दिखाऊँगा। किसान दोस्तों, आप देखना, हमारे गन्ने में आपको किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसान भाइयों, इस समय गन्ना वैरायटी 0238 में टॉप बोरर का ज़बरदस्त रोग लगा हुआ है। लेकिन किसान दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, हमारे खेत में आपको एक भी पौधे में टॉप बोरर नज़र नहीं आएगा। किसान दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा, हमारे गन्ने में आपको कहीं पर भी टॉप बोरर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो किसान दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, डबल लाइन ट्रेंच विधि का गन्ना है, जिसमें गन्ना वैरायटी 0238 है। और इस समय किसान दोस्तों, बहुत ही शानदार ग्रोथ करके हमारे खेत में ये वैरायटी चल रही है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस समय हमारा गन्ना बहुत ही शानदार हमारे खेत में खड़ा है। और किसान भाइयों, किसी भी प्रकार का आपको एक भी पौधे में रोग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसान भाइयों, अभी तक हमने अपने इस गन्ने में 3 स्प्रे की हैं। और किसान भाइयों, सिर्फ एक बार खाद का प्रयोग किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किन खादों का प्रयोग किया गया है, और किसान दोस्तों, किन कीटनाशकों का प्रयोग हमने अपने गन्ने में किया। तो किसान दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम अपने गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई करने से पहले किसान दोस्तों, आज ही हमने अपने इस गन्ने में एक स्प्रे की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस कीटनाशक की स्प्रे की है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे इस गन्ने में आपको किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं देगा। लेकिन किसान भाइयों, गाय बिजारों ने हमारे खेत में काफ़ी नुकसान कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, काफ़ी सारा गन्ना गाय और बिजारों ने खा रखा है। किसान भाइयों, इसकी सिंचाई होने के बाद इस खेत की तारकसी करेंगे, और उसके बाद झटका मशीन रख दी जाएगी, जिससे किसान भाइयों, कोई भी गाय बिजार हमारे खेत में नुकसान नहीं करने पाए। तो किसान भाइयों, आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा काफ़ी बड़ा खेत है, लगभग किसान भाइयों 4 एकड़ का खेत है। आधे खेत की आज सिंचाई कर दी जाएगी, आधे की किसान भाइयों कल सिंचाई होगी, उसके बाद इसमें तारकासी की जाएगी। तो किसान दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम सिंचाई से पहले अपने इस खेत में एक स्प्रे कर रहे हैं। किसान दोस्तों, स्प्रे किस चीज़ की जा रही है, सारी जानकारी दूंगा। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम कूड़ कूड़ पर ही स्प्रे कर रहे हैं, ताकि किसान भाइयों, सारा गन्ना ऊपर से नीचे तक दवा के घोल में अच्छे से भीग जाए। तो किसान दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, हम अपने इस खेत में रॉकेट दवा की स्प्रे कर रहे हैं। किसान भाइयों, उसके साथ हमने 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19:19 भी मिला रखी है। और किसान दोस्तों, इससे पहले हमने अपने खेत में 2 स्प्रे और की हैं। पहली स्प्रे में किसान दोस्तों, हमने इमीडा क्लोरोपिड 17.8% SL का प्रयोग किया था। किसान दोस्तों, उसके साथ भी हमने 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19:19 मिलाई थी, तब उसका स्प्रे किया था। किसान दोस्तों, दूसरी स्प्रे में किसान दोस्तों, हमने रॉकेट दवा और किसान दोस्तों इमीडा क्लोरोपिड दोनों का प्रयोग साथ में मिला के किया था। उसके बाद किसान दोस्तों, आज हम अपने खेत में तीसरी स्प्रे कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारे खेत में आपको किसी भी प्रकार का रोग धोक दिखाई नहीं देगा। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जब भी हमने अपने खेत में स्प्रे की है, उसके तुरंत बाद ही किसान दोस्तों, हमने अपने गन्ने की सिंचाई की है, ताकि कीटनाशक दवा अच्छे से कार्य कर सके। इसीलिए किसान दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, हमारे गन्ने में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जब भी हमने जिन कीटनाशकों की स्प्रे अपने इस गन्ने में की है, उसके साथ NPK 19:19 अवश्य मिलाई है। और किसान दोस्तों,
अब मैं आपको दिखाऊंगा हमने एक दफ़ा किन खादों का प्रयोग अपने खेत में किया है। तो किसान दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यूरिया के साथ किसान भाइयों हमने फेरस सल्फेट का प्रयोग किया है। किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे ये दयाल कंपनी की है जो कि हरियाली के नाम से आती है। किसान दोस्तों बहुत ही शानदार कार्य करती है। तो किसान दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम अपने गन्ने की लाइनों में ही खादों का बिखराव करवा रहे हैं और किसान दोस्तों साथ के साथ गन्ने की सिंचाई भी की जा रही है। तो किसान दोस्तों आप देख पा रहे होंगे उस समय जब हमने अपने गन्ने में यूरिया और फेरस सल्फेट का प्रयोग किया था किसान दोस्तों, उस समय हमारे खेत में कितना छोटा छोटा पेड़ी गन्ना था। लेकिन किसान दोस्तों उसके बाद हमने अपने खेत में एक स्प्रे और की थी किसान दोस्तों, वो स्प्रे हमने सिंचाई के बाद की थी क्योंकि भाइयों जिस खेत में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है किसान दोस्तों उसमें गन्ने के पौधे का इतना हरा भरा कलर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हरा काच हो जाता है। साथ में किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जिस खेत में फेरस सल्फेट लगा दी जाती है किसान दोस्तों पौधे बहुत ही मुलायम हो जाते हैं जिस कारण रोग आने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए किसान दोस्तों सिंचाई के कुछ समय बाद ही हमने अपने खेत में एक स्प्रे की थी जिसमें किसान दोस्तों हमने इमीडा क्लोरोपिड और रॉकेट को आपस में मिला के तब इसमें एक स्प्रे की गई थी ताकि किसान भाइयों किसी भी प्रकार का हमारे गन्ने में रोग नहीं आए। तो किसान भाइयों अब आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत में आपको बहुत ही शानदार गन्ना दिखाई दे रहा होगा क्योंकि किसान भाइयों हमने अपने गन्ने में अभी तक 3 स्प्रे की हैं और एक बार खाद का प्रयोग मिट्टी में किया है किसान भाइयों यूरिया और फेरस सल्फेट का। लेकिन किसान दोस्तों आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा जब हमने अपने इस गन्ने में यूरिया और फेरस सल्फेट का प्रयोग किया था किसान दोस्तों उसके बाद जो हमने कीटनाशकों की स्प्रे की थी उसके साथ हमने NPK का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि किसान दोस्तों उसके साथ भी अगर हम NPK का प्रयोग करते तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम गन्ने की पत्तियां हो जाती, सारा ही पौधा बहुत मुलायम हो जाता जिससे किसान भाइयों गन्ने में रोग आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती। इसलिए किसान भाइयों आपको मैं बताना चाहूँगा हमने सिर्फ 2 स्प्रे में ही कीटनाशक के साथ NPK 19:19 का प्रयोग किया है। साथ में किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा खरपतवार के लिए हमने अपने स्पेडी गन्ने में एक स्प्रे की थी जिसमें हमने किसान भाइयों मेट्रीब्यूजन 24D और किसान भाइयों साथ में अल्ट्राजिन का प्रयोग किया था। इसीलिए किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत में बहुत ही कम खरपतवार आपको देखने को मिलेंगे। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन किसान साथियों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।